जिसका शीर्षक है मानवता। इंसानी दुनिया का यारों अलग एक दस्तूर है, इंसानी दुनिया का यारों अलग एक दस्तूर है, लबों पे गुलाब है सबके पर चेहरे नकाबों से चूर हैं। उलझ गए सब उलझन में, मंजिलों से सभी दूर हैं, इंसानी दुनिया का यारों अलग एक दस्तूर है। कोई तरसे एक एक दाने को, कहीं सजा थाल फेंका जाता है, कोई जश्न मनाता अपने घर में, कोई सड़कों पे रोता जाता है। ना जाने इस मानव में कैसा ये गुरूर है, इंसानी दुनिया का यारों अलग एक दस्तूर है। कोई सोता मखमल पे यहाँ, तो कोई धरती पर आश्रय पाता है, पैसों के लिए यहाँ भाई भाई से जुदा हो जाता है। मजहबों में बटने में भी हमारा ही कसूर है, इंसानी दुनिया का यारों अलग एक दस्तूर है। हिंदू हो तो मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाना वर्जित है, प्रेम और भाईचारा यहाँ किसको अर्जित है। ना जाने इस मानव पे कैसा ये गुरूर है, इंसानी दुनिया का यारों अलग एक दस्तूर है। हम नया सूरज लाकर क्यों ना इस अंधकार को मिटाएं, हम नया सूरज लाकर क्यों ना इस अंधकार को मिटाएं, भाई को मिलाकर भाई से मानवता का दीप जलाएं, मानवता का दीप जलाएं। प्रेम स्थापना करके मन में, प्रेम स्थापना करके मन में मदद सभी की करते जाएं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई भाई के हैं। सच बना दे उस सपने को, सच बना दे उस सपने को जिसकी कल्पना भी दूर है, क्योंकि असल इंसानी दुनिया का यारों यही एक दस्तूर है, यही एक दस्तूर है। धन्यवाद। प्रभात परम आदरणीय निर्णायंगर, मेरा आईडी नंबर SPH2 है। मैं प्रतिभागी आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मानवता। मानवता क्या है और है भी या नहीं, ये वक्त सोचने वाला है। हम मानव है, हमसे है ये, पर हमें ये जिंदा है कि नहीं, ये वक्त सोचने वाला है। इस दौर में ये जो घट रहा है, पल पल में ये जो मिट रहा है, क्यों शर्मसार ये दुनिया में बस औरत को होना पड़ता है। क्यों झुकने की हकदार है वो, उसे ही समझा जाता है। हो इंसान यदि तो बन के बतला दो, अपनी मानवता दिखला दो। न झुकाओ किसी को न झुकने दो, एक माँ एक बहन एक पत्नी सब है वो, नारी को उसका हक तुम दिलवा दो। अब ना जागे तो मिट जाओगे, अब ना जागे तो कट जाओगे, ये वक्त सोचने वाला है, ये वक्त समझने वाला है। है अस्तित्व तुम्हारा नारी से, है मानवता तो दिखला दो, है मानवता तो दिखला दो। धन्यवाद। नमस्कार, आज मैं आपके समक्ष अपनी स्वरचित कविता मानवता की पुकार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इंसान ही इंसान के नाते रिश्तेदार हैं, इंसान ही इंसान के नाते रिश्तेदार हैं, आज फिर उनमें क्यों आई तकरार है। ईश्वर की खूबसूरत निशानी है मानव, मानवता ही तो उसका प्रमाण है। फिर करता क्यों बैर और बनता अनजान है, फिर करता क्यों बैर और बनता अनजान है, खुद गर्ज बनकर क्यों दिखाता झूठी शान है। प्रेरणा की प्यारी मूरत है मानव, मानवता ही तो उसका अलंकार है। इंसान ही इंसान को देखो क्या क्या बोल दिया, इंसान ही इंसान को देखो क्या क्या बोल दिया, रिश्तों के तराजू में कैसे तौल दिया, भीड़ से भरी दुनिया में क्यों अकेला छोड़ दिया, कितना नफरत और स्वार्थ से ये रिश्ता तूने भर दिया और जानबूझकर मानवता का खून किया। मजहब के नाम पर बुनता तू जाल है, मजहब के नाम पर बुनता तू जाल है, खंडित कर अपने नाम को पछताता सालों साल है। दया भाव हो तेरे मन में यही धर्म की पहचान है और यही मानवता सबसे महान है। धन से अगर है तू धनवान, धन से अगर है तू धनवान, तो मन से भी बन बलवान। छुआछूत और अमीरी गरीबी के भाव से निकल नादान, सबको गले लगाना ही है मानवता की पहचान। ना तो बन हिंदू और ना मुसलमान, ना तो बन हिंदू और ना मुसलमान, बन अब बस तू एक इंसान, मानवता है बस धर्म तेरा, इस मार्ग को ले तू पहचान, इस मार्ग को ले तू पहचान। धन्यवाद। नमस्ते, तो क्या आप सुन पाइएगा, तो क्या आप सुन पाइएगा, मजहब ना तेरा ना मेरा हो, नफरत ना तेरे ना मेरे दिल में हो, भूल कर इस मजहब की दीवार,
इंसानियत ही सबसे पहला धर्म हो, इंसानियत ही सबसे पहला धर्म हो। तो इस शेर के साथ मैं आपके सामने अपनी सरलचित कविता इंसान की इंसानियत प्रस्तुत करती हूँ। चलो मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, चलो मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, कदम कदम पर एक दूसरे की मदद करते हैं। हाँ, मुश्किल होगा रास्ता, पर मंजिल तो कुछ भी करके पाना है ना। आओ थोड़ा इंसानियत की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं। लोग पूछते हैं कि क्या मिलेगा दूसरों का सहारा बनकर तुझे। हाँ, ज्यादा कुछ तो नहीं, पर लोगों की मुस्कान चाहिए मुझे। जानती हूँ ये राह आसान नहीं है, पर मंजिलों से ही तो लड़कर आगे बढ़ना है ना। कुछ इसी तरह अपना नाम जिंदगी में कमाना है। आओ थोड़ा इंसानियत की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं। क्या खूब कहा है किसी ने कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। लेकिन आज कुछ ऐसा समय आया है कि इंसान को इंसानों में ही इंसानियत की तलाश है। अब मेरे बोल जरा से कड़वे जरूर है, क्योंकि यह दिखावा हर सूरत पर है और सीरत से सब यहाँ खोटे हैं। यहाँ लोग मंदिर की देवी को पूछते हैं ना, और अगले ही पर जीती जागती देवी की आबरू उतारते हैं। जब तड़प गूंजती है इस समा में, तब यही लोग कैंडल मार्च पर उतरते हैं। मैं पूछती हूँ कि ए इंसान, कब तक खामोश रहोगे तुम सब। जब तुझ पे आएगी तो भी क्या FB इंस्टा पर पोस्ट डालोगे तुम सब। इंसान तो इंसान, जानवरों को भी नहीं बख्शा ए हैवान। क्या कसूर था उस बेजुबा हथनी का, क्या ये कसूर था कि वो खाना ढूंढ रही थी, या फिर इंसान की इंसानियत को कुछ अच्छा ही समझने की भूल कर बैठी थी। तुझ पर भरोसा करके ए इंसान उसने अपना कदम बढ़ाया था। तूने अपनी मानवता मारकर उस बेजुबा को जलाया था। तू तो तालीम याफ्ता होकर भी मूर्खता कर बैठा था, और वो एक बेजुबा होकर भी इंसानियत का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा गई। उन लोगों को उनकी गलतियों का एहसास भी तो दिलवाना है ना। उन्हें सही राह की ओर भी तो लेकर जाना है। बताना है इस दुनिया को कि इंसानियत अभी भी बाकी है। इस दुनिया से बुराइयों को भी तो हटाना है ना। हिम्मत करके कुछ लोगों को उनका हक भी तो दिलवाना है। कुछ भी करके सबके चेहरे पर मुस्कान भी तो लाना है। आओ थोड़ा इंसानियत की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं, कदम कदम पर एक दूसरे की मदद करते हैं। हाँ, मुश्किल होगा रास्ता, पर मंजिल तो कुछ भी करके पाना है ना। आओ थोड़ा इंसानियत की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं। शुक्रिया। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरी कविता का विषय है मानवता। कैसी ये मानवता देखो, कैसा ये संसार है। कैसी ये मानवता देखो, कैसा ये संसार है। ना कदर है रिश्तों की और ना ही जग में प्यार है। एक दूजे के जाके प्यासे लोग बन कर जीते हैं। अपने चंद्रमानों के खातिर गुलाल दूजे का रौंद देते हैं। मिट रही इंसानियत देखो हर तरफ शमशान है। कैसी ये मानवता देखो कैसा ये संसार है। ना कदर है रिश्तों की और ना ही जग में प्यार है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। फिर कैसी ये मजहब का झगड़ा कैसी ये मजहब की लड़ाई। जानते हैं सब ये लेकिन जान कर अनजान है। कैसी ये मानवता देखो कैसा ये संसार है।
ना कदर है रिश्तों की, ना कदर है रिश्तों की और ना ही जग में प्यार है। कहते हैं एक दूसरे की सहायता करना ही सच्ची मानवता है, कहते हैं एक दूसरे की सहायता करना ही सच्ची मानवता है। सबके प्रति श्रेष्ठ कुछ क्षण का निश्चल प्रेम ही अद्भुत उपहार है। कैसी ये मानवता देखो कैसा ये संसार है, कैसी ये मानवता देखो कैसा ये संसार है। ना कदर है रिश्तों की और ना ही जग में प्यार है। धन्यवाद। आदरणीय निर्णायक मंडल एवं शिक्षकगण, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा विषय है मानवता। ना हो अपना दुश्मन कोई, सबको प्यार से गले लगाएं। ना हो अपना दुश्मन कोई, सबको प्यार से गले लगाएं। नफरत को हम मिटा अंधेरे, आओ प्यार के दीप जलाएं। ये सारा संसार है अपना, अपने हैं सब लोग। ये सारा संसार है अपना, अपने हैं सब लोग। फिर क्यों मन को लगा हुआ भेदभाव करो। याद कर ये सारे अहंकार, आज चलो ये रोग मिटाएं। नफरत को हम मिटा अंधेरे, आओ प्यार के दीप जलाएं। दया भाव हम दिल में रखिए, दिनों का हम बने सहारा। दया भाव हम दिल में रखिए, दिनों का हम बने सहारा। करे प्रकाश जीवन में उनको दुखों का दूर के दियारा। बन जाए इंसान सभी इंसानियत का मनहन अपनाए। बन जाए इंसान सभी इंसानियत का मनहन अपनाए। नफरत को हम मिटा दे, आओ प्यार के दीप जलाएं। मानव सेवा उत्तम है सबसे, सब धर्म यही बतलाते हैं। मानव सेवा उत्तम है सबसे, सब धर्म यही बतलाते हैं। करके दूर सभी संपन्न, सही राह वो हमें दिखलाते हैं। कर्म नेक करके आओ, सबके हृदय में हम बस जाएं। नफरत को हम मिटा अंधेरे, आओ प्यार के दीप जलाएं। मानवता से होगा जग उज्ज्वल, आरंभ हमें करना होगा। मानवता से होगा जग उज्ज्वल, आरंभ हमें करना होगा। मानवता की खातिर एकजुट होकर हमें बढ़ाना होगा। वही दिवाली सच्ची होगी, नफरत को मिटा अंधेरे, आओ प्यार के दीप जलाएं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट ओवर हियर। माय आईडी नंबर इज SPH7। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज हमारी कविता प्रतियोगिता है और मेरा दिया गया शीर्षक है मानवता। जैसा कि गांधी जी ने कहा है, हमें मानवता से विश्वास नहीं होना चाहिए। मानवता एक सागर की तरह है, यदि सागर की कुछ बूंदें गंदी हो जाए तो पूर्ण सागर गंदा नहीं होता। इन्हीं पंक्तियों से मैं अपनी कविता की शुरुआत करती हूँ। किसी को गीता में ज्ञान मिला, किसी को कुरान में ईमान। किसी को गीता में ज्ञान मिला, किसी को कुरान में ईमान। उस बंदे को इंसानियत में जहान मिला, उस बंदे को इंसानियत में जहान मिला जिसे इंसान में इंसान मिला। कोई कहता है मैं हिंदू हूँ, कोई कहता है मैं मुस्लिम। कोई कहता है मैं हिंदू हूँ, कोई कहता है मैं मुस्लिम। कोई कहता है मैं गिरजाघर का, कोई कहता है मैं गुरुद्वारे का। मैं पूछ रही हूँ सबसे, क्या राम मिला तुम्हें मंदिर में? क्या रहता अल्लाह मस्जिद में? क्या राम ने कहा भूखे को भूखा रख? क्या राम ने कहा भूखे को भूखा रख? क्या अल्लाह ने कहा असहाय को दर्द दे? आज मानवता की कब्र पर नैतिकता का मुर्दा जलता। आज मानवता की कब्र पर नैतिकता का मुर्दा जलता। क्या माफ करेगा खुदा तेरी इस खता को? क्या मुकम्मल होगी तेरी दुआ उस खुदा के दरबार में? सुनो, मानवता से होगा जब उज्जवल, आरंभ हमें करना होगा। मानव सेवा की खातिर बिना डरे बढ़ना होगा। मानव सेवा उत्तम है सबसे, मानव सेवा उत्तम है सबसे। सब धर्म यही सिखलाते हैं। करके दूर सभी संशय, सही राह हमें दिखलाते हैं। मानवता है प्रभु का दर्शन, दीन दुखी का करके अर्चन। मानवता है प्रभु का दर्शन, दीन दुखी का करके अर्चन। मानवता अपना ले बंदे, मिट जाएंगे सारे फंदे। जीवन की बस रीत यही है, सब धर्मों की सीख यही है। आज इसे अपना ले बंदे, मिट जाएंगे सारे फंदे। एक दौर था वो जब खुदा के नेक बंदे मानव धर्म सिखलाते थे। एक दौर था वो जब खुदा के नेक बंदे मानव धर्म सिखलाते थे। गांधी जी अब्दुल कलाम और मदर टेरेसा कहलाते थे। दया भाव ये दिल में रखकर, दया भाव ये दिल में रखकर दीनों का थे बने सहारा। दया भाव ये दिल में रखकर दीनों का थे बने सहारा। मानवता की जोत जलाकर उज्जवल कर गए भाग्य हमारा।
मानवता की जोत जलाकर उज्जवल कर गए भाग्य हमारा। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। आई एम पावनी मिश्रा एंड माय आईडी नंबर इज SPH 8 एंड नाउ आई एम गोइंग टू रिसाइट अ पोयम व्हिच इज ओरिजिनली रिटन बाय मी ओनली एंड इट्स टॉपिक इज मानवता। मानवता है धर्म हमारा, हमने इसे भुलाया है, त्यागी हमने मानवता को इसका ही फल पाया है। ऋषि मुनियों ने दी है शिक्षा मानवता से जीने की, एक दूजे के हित के कारण मानवता दिखलाने की। मानवता के लिए दधीचि ने प्राणों का उत्सर्ग किया, मानवता के लिए जटायु रावण से भी जूझ गया। अपना मांस बाज को देकर मानवता दिखलाया शिव, पक्षी जीवन के रक्षा हित प्राणों से भी खेला शिव। इन दृष्टांतों उद्धरणों से मानवता को जाने हम, जन जन का कल्याण करें निज जीवन सुखी बनाए हम। मानव होकर कर तो ऐसा जग में जिससे यश पाओ, दानवता का अंत करो तुम, ध्वज मानवता का लहराओ। थैंक यू। जूरी के सदस्य एम न्यायाधीश, मैं आपके सामने मानवता के ऊपर एक कविता प्रस्तुत करता हूँ। मानवता यदि आभूषण है मनुष्य का, तो उपहार है भगवान का। ये समर्थक है शांति का, तो उदाहरण है आदर्श का। मानवता वह बड़प्पन है जिसे कोई समझा न सके, जिसे महसूस किया जाए और दर्शाया जा सके। किसी में दिखता है किसी में नहीं, किसी में दिखता है किसी में नहीं, क्षमा करना मनुष्य यह बेकार नहीं। जो मनुष्य करता है धारण, उसकी असफलता का क्या हो कारण। बापू जिन्होंने दिया मानवता का ज्ञान, उनकी जीवन कथा करती है इसे बयान। मानवता वह गुण है जो हर किसी में न हो, जिसमें हो उसका आचरण हो मनुष्य का, और जिसमें न हो उसका आचरण हो पशु का। जिससे जीते जाते हैं युद्ध वह गुण बल है, जिसे अव्वल हो परीक्षा वह गुण बुद्धि है, किंतु जिससे सफल हो जीवन वह गुण मानवता है। कोई होता है शक्तिमान तो कोई होता है बुद्धिमान, किंतु जिस मनुष्य में वो मानवता वह जीवन की परीक्षा में हार नहीं सकता। अंत में मेरे कहने को सिर्फ इतना रह गया है कि मानवता केवल शब्दों में रह गया है। जाने कब मनुष्य मानवता को समझेगा और भाईचारा अपनाकर देश को बदलेगा। धन्यवाद। आदरणीय जूरी के सदस्य एवं निर्णायक, मैं मानवता के संदर्भ में कविता प्रस्तुत करती हूँ। मानव की मौलिक प्रवृत्ति ही मानवता कहलाती है, सबको सुख देने वालों को नियति राह दिखलाती है। स्वार्थ अहम को त्याग जगत के हित में अर्पित जीवन को, स्वार्थ अहम को त्याग जगत के हित में अर्पित जीवन को, मंगलमय जीवन को अनुकरणीय महान बनाती है। राम कृष्ण गौतम गांधी ने मानवता को मान दिया, मानवता के हित ईर्ष्या ने सूली चढ़ बलिदान दिया। महावीर ने गुरु साहिब ने यही राह अपनाई थी, महावीर ने गुरु साहिब ने यही राह अपनाई थी। पैगंबर ने भी अनिति के सम्मुख सीना तान लिया, तुलसी सूर कबीर सभी ने मानवता का गान किया, गीता बाइबल या कुरान ने इसका ही सम्मान किया। मानवता के पथ पर चलकर कितने ही बलिदान हुए, मानवता के पथ पर चलकर कितने ही बलिदान हुए, अड़े अचल लेकिन उन सब ने मानवता का ध्यान किया। भटक रहे मानव जीवन को जो भी राह दिखाता है, जन जीवन से कुरीतियों का हर दुख दर्द मिटाता है। जिसका सारा जीवन मंगलमय अमर्त्य अभिकारी हो, जिसका सारा जीवन मंगलमय अमर्त्य अभिकारी हो, वही जगत में मानवता का वीर सपूत कहलाता है। आओ सब मिलकर मानवता के हित में कुछ काम करें, अपने सत्कर्मों से इस दुनिया में नाम करें। राह दिखाने वाले गुरुजन का ऋण भार उतारे हम, राह दिखाने वाले गुरुजन का ऋण भार उतारे हम, अनुजों को दे प्यार और अग्रज को सदा प्रणाम करें। आओ सब मिलकर मानवता के हित में कुछ काम करें, आओ सब मिलकर मानवता के हित में कुछ काम करें। धन्यवाद। सुप्रभात, आज मेरा आईडी नंबर SPH 10 है और मैं MGM पब्लिक स्कूल एवं शांति निकेतन भिलाई की विद्यार्थी। तो आज मैं आप सभी को मानवता के ऊपर एक कविता सुनाना चाहती हूँ। ना हो अपना दुश्मन कोई, सबको प्यार से गले लगाए, ना हो अपना दुश्मन कोई, सबको प्यार के गले लगाए, नफरत के हम मिटा अंधेरे, आओ प्यार के दीप जलाए। ये सारा संसार है अपना, अपने हैं ये सारे लोग, ये सारा संसार है अपना, अपने
के मन को क्यों लगा है ये भेदभाव का रूप? त्याग के हम सारा अहंकार, चलो ये भेदभाव मिटाए। त्याग के हम सारा अहंकार, चलो ये भेदभाव मिटाए। नफरत के हम मिटा अंधेरे, आओ प्यार के दीप जलाए। ये मानवता ही है सबसे सबसे उत्तम धर्म, मानवता ही है सबसे उत्तम धर्म, ये सभी को चलना सिखाए। मानवता ही से सबसे अच्छा धर्म, ये सबको चलना सिखाए। आओ इसको मिलकर हम पूरे दुनिया में फैलाए, आओ इसको मिला के हम पूरे दुनिया में फैलाए। मानवता के लिए हमें उठना होगा, एकजुट होके लड़ना होगा। मानवता के लिए हमें उठना होगा, एकजुट मिलके लड़ना होगा, तभी तो ये सारी दुनिया सब मानवता के धर्म को अपनाए। नफरत के हम मिटा अंधेरे, आओ प्यार के दीप जलाए। बन जाए सब इंसान, इंसानियत का मजहब अपनाए। बन जाए सारे इंसान, इंसानियत का मजहब अपनाए। नफरत के हम मिटा अंधेरे, आओ प्यार के दीप जलाए। ना हो अपना दुश्मन कोई, सबको प्यार से गले लगाए। ना हो अपना दुश्मन कोई, सबको प्यार से गले लगाए। नफरत के हम मिटा अंधेरे, आओ प्यार के दीप जलाए। धन्यवाद। आईडी SPH13। आप सभी निर्णय जनों को मेरा सुप्रभात। मेरी कविता का शीर्षक मानवता। नहीं बदली सूरज की नींद, नहीं बदली चंद्रमा की ठंडक, बदली है तो बस इंसान की मनोभावना। नहीं बदली पवन की हवा, ना ही बदली पेड़ों की छाया, बदली है तो बस इंसान की माया। आज भी वही है लोगों के मध्य मान सम्मान, सहते नहीं अपमान, बदली है तो बस मानवता की पहचान। वही है धर्म, वही है कर्म, न बदली जाति प्राप्त, सदियों से यही चल रही रास्ता, बदली है तो बस आस्था। वही है रोटी की कीमत, वही है आज भी मनोभावना करने की मदद, बदली है तो बस मानवता की अहमियत। जिस प्रकार है कहलाता अधूरा समंदर बिन पानी के, है अधूरा नव बिन वायु के, उसी प्रकार है अधूरा मानव बिन सर्वगुण मानवता के। है आवश्यक मानवता का होना प्रतिजन के लिए, एक सुंदर समाज के लिए, एक अच्छे संसार के लिए। विलुप्त होती जा रही मानवता इस संसार से, खोने देना नहीं इसे इस जहां से। विलुप्त होता देख इसे दुख रहता है हर्षा, मानवता ही है प्रतिजन का आभूषण, मानवता ही है प्रतिजन का आभूषण। धन्यवाद। MGM फिस्ट आईडी SPH40। नमस्कार निर्णायक, मेरी कविता का विषय है मानवता। इसकी पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार है। जिंदगी जानवरों की बदहाल है, पूछता खुद ब खुद में सवाल है। आजकल यही मानवता का हाल है, जगह जानवरों की लेने को। पहले तो मिल जाती थी झूठन या रोटी दो, अब आदमी चाहता है बस इनकी बोटी हो। फिरते हैं ये आवारा कुत्ते बिल्लियाँ, विभिन्न जाति के ये मवेशियाँ। भूख इनकी भी होती है तिफ, पर समस्या नहीं इन्हें कोई जीव। अब तो झूठन भी भाग में ना आए, भले अनिर्जीव डब्बों में डाल दिए जाए। मासूम ये भी है, कौन ये बताए, इनके प्रति मानव भी मानवता निभाए। चिंतित है अब पशु समाज, कैसे ये बताए, आदमी को आखिर कैसे दे मानवता की राय। मुश्किल है मलाल है, न बोलने से हलाल, बस निकले दम रोज और बिखरे खाल हैं। जानवरों के प्रति यही मानवता का मुख जरूर है, पर इनमें भी होती जान, इनका हम ध्यान रखें यही मानवता की पहचान। इनका है प्रकृति में अपना एक स्थान, इनकी रक्षा करके रखो मानवता का सम्मान। SRBM फीस्ट के अवसर पर आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कविता का शीर्षक है मानवता। मानवता अपना ले बंदे, मानवता अपना ले बंदे, मिट जाएंगे सारे फंदे। प्रभु ने तुझको जन्म दिया है, प्रभु ने तुझको जन्म दिया है, तुझ पर यह उपकार किया है। जिसने मानवता अपनाई उसने जीवन का उद्धार किया है। छोड़ के सारे गोरख धंधे, मानवता अपना ले बंदे, मिट जाएंगे सारे फंदे। सब धर्मों की सीख यही है, सब धर्मों की सीख यही है, जीवन की बस रीत यही है। मानवता में बस जा मानुष, हार नहीं है जीत नहीं है। बंद करो सब काले धंधे, मानवता अपना ले बंदे, मिट जाएंगे सारे फंदे। मानवता है एक सवेरा, मानवता है एक सवेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। सब धर्मों से ऊंचा देखो, दीन दुखी के मन का फेरा। सेवा के लटका के फंदे, मानवता अपना ले बंदे, मिट जाएंगे सारे फंदे।
इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद। प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका विषय है मानवता। मानवता दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। ना हो अपना दुश्मन कोई, सबको प्यार से गले लगाए, नफरत के हम मिटा अंधेरे, आओ प्यार के दीप जलाए। ये संसार है अपना, अपने हैं सब लोग, फिर क्यों मन को लगा हुआ भेद भाव करो। त्याग के सारा अहंकार हम आज चलो ये रोग मिटाए, नफरत के हम मिटा अंधेरे, आओ प्यार के दीप जलाए। दया भाव हम दिल में रखें, दीनों का हम बने सहारा, बन जाए इंसान सभी, इंसानियत का मजहब अपनाए, नफरत के हम मिटा अंधेरे, आओ प्यार के दीप जलाए। मानवता से होगा जब रोशन, आरंभ हमें करना होगा, मानव की सेवा की खातिर एकजुट होकर बढ़ना होगा। वही दिवाली सच्ची होगी जब स्वयं ही हम दीप बन जाए, नफरत के हम मिटा अंधेरे, आओ प्यार के दीप जलाए। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा कोड SPH1717 है। आदरणीय श्रोतावृंद, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे। मैं चेतना सिंह आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कविता का शीर्षक है मानवता। आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी से अरे डर रहा आदमी, हाल इतना बुरा है कि विश्वास भी आदमी पर नहीं कर रहा आदमी। पालतू पशु बने पात्र विश्वास के, संग साथी बने वे रुदन हास के, आज विश्वास पशु पर भले हम करें, पर पड़ोसी न विश्वस्त है पास के, है न विश्वास घाती मनुष्य से अधिक, बस इसी भाव से भर रहा आदमी, आदमी से अरे डर रहा आदमी, आदमी से अरे डर रहा आदमी। इस पतन का ही देखो ये परिणाम है, इस तरह आदमी आज बदनाम है, अस्मते तक चुराने लगा ये अरे, हाय नैतिक पतन का देखो ये अंजाम है। आदमी आदमी से बिचकने लगा, कर्म ऐसे अरे कर रहा आदमी, आदमी से अरे डर रहा आदमी, आदमी से अरे डर रहा आदमी। ए मनुज किस पतन गर्त में खो गया, आज देवत्व तेरा कहाँ सो गया, देवता भी तरसते थे जिस देह को, उस मनुज देह को आज क्या हो गया। जो मनुष्य था चढ़ा देव की दृष्टि में, क्यों मनुष्य दृष्टि से गिर रहा आदमी, आदमी से अरे डर रहा आदमी, आदमी से अरे डर रहा आदमी। हम मनुष्य हैं मनुष्य का सहारा बने, डूबतों के लिए हम किनारा बने, क्यों ना पाने हमें लोग बेचैन हो, हम अगर स्नेह की पुण्य धारा बने। कहने लगे लोग फिर हमें देखकर, धन्य इतिहास कर रहा आदमी, आदमी से अरे डर रहा आदमी, आदमी से अरे डर रहा आदमी। धन्यवाद। मेरी कविता का शीर्षक है ऐसी हो मानवता। जो दूसरों का दर्द समझ पाता, उनके जीवन में खुशियां लाता, वही असली मानव कहलाता। सिर्फ अपने लिए तो जानवर भी है जीता, मगर जो दूसरों के लिए जिए वही है असली मानवता। मेरा दिल यही है चाहता, ऐसी हो मानवता, ऐसी हो मानवता। क्यों इंसान को इंसान पर दया नहीं आ रही, आखिर क्यों मानवता होती जा रही। क्यों हो रहा है मानव जाति बात, ऊंच नीच धर्म क्रोध रंग भेद के पिंजरे में बंद। क्यों भूल गया मानव कि मानवता ही तो है सर्वप्रथम धर्म। जब टूटेगी अमानवीयता की दीवार, तब आएगी देश में विकास की बहार, तो चलो मनाएं मानवता का त्योहार। खत्म करें ईर्ष्या द्वेष का हर विकार, जलाएं दीप और दूर करें दिलों के अंधकार। मेरा दिल यही है चाहता, ऐसी हो मानवता, ऐसी हो मानवता। नहीं चाहिए ऐसे संस्कार जो करते मानवता का तिरस्कार, आओ हम सब मिलकर ले प्रण इस बार, नहीं होने देंगे मानवता को शर्मसार। करेंगे समाज के हरेक द्वेष का अंत, ताकि मानवता का धर्म रहे अनंत। मेरा दिल यही है चाहता, ऐसी हो मानवता, ऐसी हो मानवता। जब होगा मनुष्य को मानवता का ज्ञान, समझेगा हर मानव को समान, तभी तो बनेगा मानव महान और पूरी वसुधा कुटुंब समान। मेरा दिल यही है चाहता, ऐसी हो मानवता, ऐसी हो मानवता। क्यों ईश्वर को ढूंढने में हो रहा है मानव तू परेशान, इंसान को इंसान में ढूंढ मत रह अनजान। काश हर मनुष्य गीता बाइबिल कुरान का असली मर्म समझ पाता, तो मेरा देश ही क्या, पूरा विश्व।
विश्व स्वर्ग बन जाता, पूरा विश्व स्वर्ग बन जाता, मेरा दिल यही है चाहता। ऐसी हो मानवता, ऐसी हो मानवता, ऐसी हो मानवता। भारत माता के सूतो, भारत माता के सूतो, मानवता है प्रभु का दर्शन, मानवता है प्रभु का दर्शन, दीन दुखी का करके अर्चन, दीन दुखी का करके अर्चन, जीवन को तू सदगति दे दे, जीवन को तू सदगति दे दे, मानवता का कर पूर्ण समर्पण, मानवता का कर पूर्ण समर्पण, सब धर्मों की सीख यही है, सब धर्मों की सीख यही है, जीवन की बस रीत यही है, जीवन की बस रीत यही है, मानवता में बस जा मानव, मानवता में बस जा मानव, हार नहीं है जीत यही है, हार नहीं है जीत यही है, मानवता है एक सवेरा, मानवता है एक सवेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, सब धर्मों में सबसे ऊंचा, सब धर्मों में सबसे ऊंचा, जिसने मानवता अपनाया, जिसने मानवता अपनाया, उसने जीवन का सुख पाया, उसने जीवन का सुख पाया, मान न खोजो मानव, मान न खोजो मानव, दान करो उस जरूरत का, दान करो उस जरूरत का, जीवन का उद्धार करो, जीवन का उद्धार करो, मानवता के मन मंदिर में, मानवता के मन मंदिर में, नौता वही जो आगे बढ़े, नौता वही जो आगे बढ़े, ताव से तनता जीवन, ताव से तनता जीवन, मांस संवरता जीवन, मांस संवरता जीवन। थैंक यू। धर्म का भवंडर है पीछे पड़ा क्यों, मानवता को ठुकरा कर मानव आगे बढ़ा क्यों, मानवता से ही हर कौम जन्मा, तो मजहब मानवता से बड़ा क्यों। सुप्रभात, मैं आज आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है मानवता। कल्पना की सुंदर उड़ान हूँ मैं, भावनाओं का प्रचंड तूफान हूँ मैं, कल्पना की सुंदर उड़ान हूँ मैं, भावनाओं का प्रचंड तूफान हूँ मैं, प्राणियों में सबसे महान हूँ मैं, पर अपनी ही मानवता की ताकत से अनजान हूँ मैं, इंसान हूँ मैं, इंसान हूँ मैं। कैसी ये मानवता देखो, कैसा ये संसार है, ना कदर है रिश्तों की, ना ही जग में प्यार है, ना ही जग में प्यार है, एक दूजे के जा के प्यासे लोग बनकर जीते हैं, एक दूजे के जा के प्यासे लोग बनकर जीते हैं, और अपनी ही ईर्ष्या में आकर गला दूजे का रौंद देते हैं। मिट रही मानवता देखो, हर तरफ शमशान है, ना कदर है रिश्तों की, ना ही जग में प्यार है, ना ही जग में प्यार है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, फिर कैसा मजहब का झगड़ा, कैसी ये मजहब की लड़ाई। जानते हैं सब ये लेकिन जान कर अनजान है, जानते हैं सब ये लेकिन जान कर अनजान है, ना कदर है रिश्तों की, ना ही जग में प्यार है, ना ही जग में प्यार है। किसी को गीता में ज्ञान ना मिला, किसी को कुरान में ईमान ना मिला, किसी को गीता में ज्ञान ना मिला, किसी को कुरान में ईमान ना मिला, ए बंदे तुझे आसमान में रब क्या मिलेगा, जिसे इंसान में इंसान ना मिला। अंत में दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। मानवता का श्रृंगार करो, मानवता का श्रृंगार करो, मानव से प्यार करो, हम सब एक परिवार हैं, सबका आदर सम्मान करो, सबका आदर सम्मान करो। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मानवता, मानवता किताबों में लिखा सबसे मशहूर शब्द है, पर क्या हकीकत की इस दुनिया में कहीं इस वक्त है। खैर दौर तो मोबाइल का है, एक दूसरे की बुराई का है, पड़ोसी के यहाँ कुछ हो उससे हमें क्या, इस दुहाई का है, दोस्तों के साथ गप्पों का नहीं, एक ही कमरे के दो कोनों से होने वाले चैट का है, व्हाट्सएप इंस्टा फेसबुक पर 1000 फ्रेंड्स, पर रियलिटी में खैर छोड़ो हमें इससे क्या है। यही है आज की दुनिया का हाल, यही है आज की दुनिया का हाल, लगता है आप सबका भी है मुझसे मिलता जुलता खड़ा। पर रुको वक्त के पहिए को जरा उल्टा घुमाओ, इंसानियत बची है क्या इस दुनिया में, जरा पता लगाओ। अभी अभी खबर आई है खो गई थी जो इंसानियत, वही मानवता अभी अभी कहीं नजर आई है। लाखों भूखों को रोटी देने वाले में
सैकड़ों काफिलों को घर पहुंचाने में ठंड बहुत है इस बार। कुछ एक्स्ट्रा कंबलों को किसी एनजीओ में दो इस छोटे से नजराने में। उस छोटे से गुल्लक का किसी के मदद के लिए टूट जाने में, किसी की मदद के लिए उठते उन तमाम हाथों में खोई नहीं है, छुपी हुई है, वही अंदर है। दुनिया ऐसी है वैसी है, इसका कोहरा तो अक्सर छाता है, पर इतना आत्मज्ञान तो सबको आता है कि बुरे वक्त में इंसान ही इंसान के काम आता है। धन्यवाद।